सो गाइस आर यू रेडी? रोड हो रहा है, देख सकते हो कितना रोड खराब है यार आगे का भाई साहब। खेतों से निकलते हुए भाई मजा आ रहा है, क्या ही सीन है भाई। देखो लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, ओ माय गॉड भाई क्या सीन है भाई, दोनों तरफ खेत ही खेत है। वाह, बहुत दिनों के बाद खेत देखने मिला रे। सो गाइस अभी हम बाईपास पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो सामने मेरठ सिटी है, मेरठ सिटी का रास्ता है डायरेक्शन और हरिद्वार का है, तो हम जाएंगे हरिद्वार के साइड में। अभी फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, चाय वाय पी है और उसके बाद अभी निकल रहे हैं। बैग को अभी बाइक पे टाइट कर रहे हैं क्योंकि लूज हो गया था। तो चेक दिस आउट गाइस, ये कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ का। सो ये रही हमारी बाइक, मैं अपना बैग इनको दे दिया हूँ, मेरे बैग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेलमेट हटा लेता हूँ तो गिर जाएगा। आई लव मेरठ, मेरठ पहुँच गया भाई, ये है मेरठ, अपनी पुरानी यादें। वेस्टर्न टोल प्लाजा करते हैं, पीछे रह गए हैं वो। हाँ ये मेरी है, ये गाजियाबाद की है, गाजियाबाद। कमेंट भी कर देना भैया अच्छा सा, ठीक है। हरिद्वार का रास्ता ये सीधा है, टोल प्लाजा आ चुका है। फोटो लेना है इसको, फोटो फोटो
YouTube चैनल क्या है भैया आपका? ये जी एग्जॉस्ट कौन सा लगा उसमें? आपका फोरिक का। अच्छा अच्छा लॉर्ड एग्जॉस्ट है यार उसका भी। सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। मिलते हैं फिर। हाँ यही है ठीक है ले सुन लो। सही है प्लाजा के इधर साइड पे रुके हैं और देखो अभी सनसेट का टाइम हो चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। प्लस यहाँ पे ग्रीनरी देखो और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स से मिले थे अभी फिलहाल। तो अभी हमारी गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो अभी हम उससे चेंज करेंगे और कुछ बैटरीज को चार्ज में लगाएंगे। प्लेन के साथ पॉसिबल नहीं है यार इतना लंबा ट्रिप ट्रैवल करना। वाह भाई क्या कंफर्ट मिला। ये देखिए KTM नासिक 200 लहराते हुए जा रही है भाई। आ चुका है गाइस आई डोंट नो क्या नाम है इसका। रुद्रपुर आई थिंक। लेग वर्कआउट किया था जिम में यार सैटरडे को, पूरा बदन में दर्द हो गया यार। नो मम्मा यार स्प्लेंडर में एक बार चलाना पूरा देख लो गाइस स्प्लेंडर में क्या ही मॉडिफिकेशन है भाई इसका। भाई साहब हॉर्न देखो यार इसका, खतरनाक हॉर्न लगाया है इसने स्प्लेंडर में। लाइट देखो भाई आगे पीछे सब में लाइट लगा दिया इसने, टायर में दोनों आगे पीछे दोनों टायर में, इवन कि इंजन के पास भी इसने लाइट लगा रखा है। अभी हम आए हैं हरियाणा सोनीपत मुरथल के मसूर पराठे खाने। लेट्स सी क्या खाते हैं, मन तो ऐसे है नहीं खाने का। ये है राणा ढाबा। जगह कौन सा है, जगह कौन सा है, हाँ जगह कौन सा है? देहरादून के नीचे पहाड़ी है। देहरादून के नीचे पहाड़ी वाला साइड है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं एक राणा ढाबा पे आया हूँ, आप देख सकते हो पीछे, और इधर अपनी बाइक पार्क कर चुका हूँ मैं और यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी ये जो जगह है ये है सुंदरपुर गाँव है और यहाँ से देहरादून जो है 30 किलोमीटर दूर है। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं, ब्रेक लेके फिर यहाँ से कुछ खा पी कर फिर निकलते हैं। तो गाइस चेक दिस आउट गाइस, क्या ही मैगी है भाई, वेज पूरा वेज डाल के रखा, टमाटर शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ है। तो हमारा मैगी फिलहाल अभी इसे खा के तुरंत निकलते हैं ये मैगी को। और चेक दिस आउट, ये दोनों बंदे अपने अपने मैगी खा रहे हैं। खाना स्टार्ट करो भाई। भाई मस्त बस इस। तो गाइस इसे खा के बस निकलते हैं, अभी डायरेक्ट देहरादून में रुकेंगे। सो यहाँ से अभी 30 किलोमीटर है देहरादून, फिर देहरादून से मसूरी, मसूरी से टेहरी, फिर टेहरी से आगे का प्लान करते हैं क्या सीन है। तो रात में गाइस मज़ा करके बहुत मज़ा आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड है, मतलब एक लंबा राइड मार रहा हूँ मैं विद नाइट में और अपनी सुपर बाइक के साथ। ये ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। ये रास्ता स्टार्ट होता है और जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है इधर,
तो पीछे सत्यम अपनी बाइक का वो लाइट दिखाएगा, हम वहाँ उसको उस लाइट को फॉलो करते करते पहुँच जाएंगे। सो लेट्स सी कैसा कैसा रास्ता मिलता है भाई, फुल ऑफ एडवेंचर भाई। अभी से लग रहा भाई पूरा पैच देख रहे हो भाई, अगर दिख रहा हो तो पूरा रास्ता खराब है। सत्यम की लाइट जो है वो सही है यार, अपनी जी 900 की लाइट नहीं दिख रही इतनी, उसने एक्स्ट्रा मॉडिफाई करा रखा है ना, और सामने से जब गाड़ी का वो लाइट लगता है ना तो और ना दिखता है। मसूरी यहाँ से 54 किलोमीटर है, देहरादून 22 किलोमीटर है। गॉड फुल ऑफ एडवेंचर गाइस, फुल ऑफ एडवेंचर। अरे सत्यम भाई आगे मत जा। और यहाँ पे टेम्परेचर अभी डाउन है भाई, यहाँ थोड़ा 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 मुझे ठंड भी लग रहा है। ओह दिल्ली में बहुत गर्मी था ऐसे भी, ओ हो दिल्ली में ऐसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। इधर थोड़ा पहाड़ों में अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अंधेरा है बे। ओ प्रकाश देवता आगे पीछे पीछे चलो, प्रकाश देवता पीछे है, पीछे रहना चाहिए, आगे आगे निकल जा। ये साला कितना अंधेरा भाई साहब। भाई इधर जंगली जानवर भी रह सकता है। ओ माय गॉड भाई अंधेरा भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा है भाई। एक बार लाइट बंद कर दो, सारे लाइट बंद कर दो, देखो कैसा सीन है, कितना अंधेरा है। लाइट बंद कर दो भी पूरा। अरे भाई लाइट जला, लाइट जला, लाइट जलाओ भाई, बहुत अंधेरा है यार। मैं अपनी जलाऊँ, जल तो रहा तो। So, गाइज अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितना किसका लाइट में पावर है। मेरी वाली जा रहा है ना, सिंगल लाइट है। अब मैं चालू करता हूँ, बंद करो अपना जी 900 का, देखते हैं एक बार क्या सीन है, इसकी क्या विजिबिलिटी है। हाँ ये बात तो है, मॉडिफाई कराए थे क्या। बहुत लंबा टर्न मिला भाई। करने का मजा आता है। फाइनली हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है भाई। अभी स्प्लेंडर ट्रेंडिंग में लेकिन। हाँ सारी मेरी है। क्या नाम हुआ तुम्हारा भाई? अदनाम। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। वी आर राइडिंग विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट्स एंड फाइनली वी हैव रीच्ड। ओ कुत्ता की माँ की आग। हाँ मैं भी चेक करा लूँगा हवा हुआ। और क्या, सब चेक करवा लो भाई। तो अभी टायर प्रेशर चेक करा लेते हैं क्या है सीन, क्योंकि मैंने चेक नहीं कराया जब से बाइक लिया, तब से एक बार भी मैंने टायर प्रेशर चेक नहीं कराया। सो आज वो दिन आया है, सब फर्स्ट टाइम ये जो मैं अपना टायर प्रेशर, अपनी बाइक का टायर प्रेशर चेक कराऊँगा। कम है ना, कम नहीं कम हो गए। तो गाइस फिलहाल अभी पेट्रोल पंप पे हैं, देहरादून पेट्रोल पंप पे हैं, और अभी थोड़ा सा आँख में कुछ चला गया था, तो भाई अभी अपना फेस वॉश वगैरह कर रहा है, मैं भी करूँगा, मेरे आँख में भी कुछ चला गया है। देहरादून सिटी है, चेक दिस आउट गाइस, हाउ इट लुक्स। तो देहरादून सिटी कुछ ऐसा दिखता है गाइस। रात में चला रहा हूँ देहरादून में बाइक, वो भी खड़े हो गए। तो ये देहरादून सिटी है भाई। भाई अभी ठुकते ठुकते बची भाई, बहुत बंगन्ना वाला ठुक जाता है अभी, बस क्योंकि मैंने देखा नहीं है, सेंटर कर लिया।